एटमी जंग होने वाली। ये इन द एंड ऑफ द डे नजर आता है कि बर्तानिया शायद सफाया सिमट जाए, कि बर्तानिया का थर्ड बिट्रेल है हमारे साथ, लेकिन इसराइल का तो साइज बड़ा नहीं हो सकता, तो अरब है, तो फिर दुनिया का साइज छोटा होना चाहिए। तो इसको प्लानिंग ये हो रही है कि दुनिया का साइज कैसे छोटा किया जाए। एक इमरान खान अगर बाहर निकला तो उसके बाद इतने बड़े बड़े नारे होंगे कि जो पब्लिक को बड़ी आसानी से स्वे करके चला जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रू स्टोरीज के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका दोस्त आबिद अली आरोही। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के माया नाज एंकर और कलम निगार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, पहली जंग अजीम का आगाज हुआ तो जब जर्मनी ने हंगरी पर हमला किया अपने से छोटे मुल्क पर, उसके बाद दूसरी जंग अजीम में हंगरी ने अपने से छोटे मुल्क पोलैंड पर हमला किया, उसी तरह अब रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला आवर हो चुका हुआ है, और उसी तरह जो बड़े ममालिक हैं वो जो हैं सिर्फ अभी तक तो मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये तीसरी जंग अजीम का पेशकश नजर आ रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पेशकश क्या मुकम्मल तौर पर मुझे लगता है कि आगाज हो चुका हुआ है, और ये जंग दो वजह से खतरनाक होगी। एक तो सबसे पहली अहम बात यह है कि 75 साल की कोल्ड वॉर के दौर में और किसी चीज में इंसान ने सलाहियत अपनी बेहतर बनाई हो या ना हो, आलात हरब ने जरूर बनाई है, और आलात हरब इस तरह के हो चुके हैं कि आप अंदाजे के मुताबिक 25 दफा इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं, इतना ज्यादा तो लोगों पर तबाह हो चुका है। पहली जंग अजीम की मामला यह था कि पहली जंग अजीम में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, उसके बाद खिलाफत उस्मानिया थी, और रूस था, और फ्रांस और बरतानिया था। फ्रांस और बरतानिया तकरीबन 116 साल की एक लंबी जंग खत्म करके हटे थे, फिर उसके बाद क्रीमिया की जंग आई थी, वो भी बेसिकली यूक्रेन के ऊपर रूस की और बरतानिया की जंग थी, एक कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, और उस कॉन्फ्लिक्ट को आगे जाके फिर उन्होंने एक कंसोलिडेट करना शुरू किया, और फिर उसने रूस को एक लालच दिया कि हम तुमको खिलाफत उस्मानिया की जो एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको दुनिया कहते हैं वो तुम्हें ले देंगे, उसके साथ मिलाया, और वो एक बहुत लंबी कहानी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि इस गुज़श्ता सदी की जंग का महवर कौन सा खत्ता था और पुरमन लोग कौन से थे, तो उनके लिए वादे बात है कि सारे की सारी लड़ाई शुरू भी यूरोप से हुई थी, कत्लो गारत भी वहीं से हुआ, कत्लो गारत किया भी उन्होंने, और आज वहां से जंग वापस पहुंच चुकी हुई। तो जी सर, आप फरमा रहे हैं कि न्यू जो तीसरी जंग अजीम है उसका आगाज हो चुका है, उसी किराए में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो शिफ्ट हो रहा है या बनने जा रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान का जो बयानिया है, हमारा बयानिया जो है वो रूस और चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जबकि हम अमेरिका और यूरोप को एक साइड पे कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या हम सही जा रहे हैं? देखिए, बयानिया आपका जिधर भी शिफ्ट हो, पहली बात तो ये है कि आपके इस वक्त स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आप कहां बेहतर होते हैं, क्या आप इस वक्त यूरोप के साथ मिलके, वो यूरोप जो कि खुद चोरी छुपे जो है यूक्रेन की मदद कर रहे थे, 560 मिलियन यूरो जो है उसका असर उन्होंने दे दिया है, 5-10 किंगर मिसाइल जर्मनी ने दे दिए, यूरोपियन यूनियन के लोग जो बचा रहे हैं, तुर्की के ड्रोन दिए है उसके पैसे भी उन्होंने दे दिए, ऑस्ट्रेलिया पैसे दे रहा है, खुद वो नहीं लड़ रहे। दूसरी बात यह है कि खुद यूरोप के अंदर सूरत हाल यह है कि इस वक्त वहां पर जो राइट विंग मलेशिया है उसके लोग वहां पहुंच रहे हैं, और एक वो गोल दायरे का निशान होता है जिसको ब्लैक सन कहते हैं, जो कि उस बंदे ने पहना हुआ था जिसने न्यूजीलैंड में मुसलमानों की मस्जिद पर हमला किया था, वो सारे के सारे वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं, वहां जैसे कहते हैं कि एक सफेद फॉर्म जिहादिस्ट वो वहां पर मौजूद है, तो लड़ नहीं रहे। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि रूस को उन्होंने कंटेन कर दिया है, तो रूस वही हरकत करेगा मेरा जहां तक अंदाजा है जो कि अमरीका ने जापान पर की थी, मैं समझता हूँ कि एटमी जंग ना भी हो तो बर्तानिया पे हमला कर देगा, क्योंकि वो समझता यह है कि सारे के सारे के पीछे बर्तानिया है, और मुझे इन द एंड ऑफ द डे नजर आता है कि बर्तानिया शायद सफाया सिमट जाए इस सारी जंग के अंदर, बाकी शायद आप बाद में लड़ेंगे लड़ें बर्तानिया के साथ, क्योंकि रूस समझता है कि बर्तानिया का थर्ड बिट्रेल है हमारे साथ, पहली दफा भी उसने क्रीमिया के मामले में हमसे किया धोखादेही की, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमसे वादा किया फिर धोखादेही की, और उसके बाद तीसरी दफा उसने जब अपना बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद जब अफगानिस्तान का मामला आया तब धोखादेही की, हम 1945 से उनके हलीफ थे, साथी थे,
अब हमारे स्टालिन ने जाने दी, सब कुछ किया, हिटलर को हमने शिकस्त दी, तो वो समझता ये है कि बाकी अमरीका हो या यूरोप हो, ये बेसिकली इनका कोई रोल नहीं है, असल रोल जो है बरतानिया का। जिस तरह बिट्रेल और जो जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी तबाही, लेकिन सर देखिए अगर ये रूस यूके पर अपनी जंग मुसलत करता है तो क्या बाकी पूरी दुनिया खामोश रहेगी? क्या रूस को इसका कॉन्सिक्वेंस है कि ये जंग खतरनाक, अमेरिका ने एटम बम इस्तेमाल किया था तो जंग रुक गई थी, यहाँ एटम बम इस्तेमाल हुआ तो जंग शुरू होगी, ये फर्क है उस जंग में और इस जंग में। और पाकिस्तान को इस वक्त कम से कम यूरोप का साथ तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उसका दे या ना दे, अपना रूस का या चीन का दे, आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आप किसका साथ देंगे? क्या आप अपना इंडिया का साथ देंगे जो कि उस तरफ है, इंडिया का मुखालिफ है? बेसिक सवाल ये किया जाता है कि यूरोपीय यूनियन जो है वहाँ हमारी तजारत होती है, ये होती है, क्या जंग के दौरान में तजारत रह जाती होती है? जो लोग इतनी बड़ी तजारत जो है वो खत्म कर रहे हैं, जो कि गैस और ऑयल की और सब कुछ है रूस के साथ, और अपना इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, उनको आप नहीं कहते कि तुम अपनी तजारत क्यों करते? पाकिस्तान को कहते हो कि तुम इस तरह की सूरत क्यों करते? इस जंग में जीतेगा कौन, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है जीतेगा, क्योंकि बेसिकली सारे का सारा ज़ायनिस्ट एजेंडा है, जो मैं बहुत दफा लिख चुका हूँ, और रूस में तो तय हो गया हुआ है कि हमारे यहाँ जो रूसी यहूदी थे यही वो लोग थे कि जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ज़ायनिज्म की मूवमेंट की, सियोनियत की मूवमेंट की बुनियाद रखी थी, यही लोग थे जहाँ जो यहाँ पर बोल्शेविक रेवोल्यूशन लेके आए थे, यही लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी यूरोप की जंगें लड़नी होती रहे। बुनियादी तौर पर जो इसराइल में यहूदी जाके आबाद हुए हैं वो यहूदी एक मकसद के तहत आबाद हुए हैं कि यहाँ से जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त से एक उनका मसाया आएगा और वो एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। अब आलमी हुकूमत अगर कायम करनी है तो आपका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसराइल का तो साइज बड़ा नहीं हो सकता, चौरम है, तो फिर दुनिया का साइज छोटा होना चाहिए। तो इस वक्त प्लानिंग ये हो रही है कि दुनिया का साइज कैसे छोटा किया जाए, और उसमें साइज छोटा करने के पूरे उसके अंदर देयर कैपेबल ऑफ डूइंग। सर इस सारी सूत्र में पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान का रोल नेचुरल मैं समझता हूँ कि वेस्ट के बिल्कुल मुखालिफ होना चाहिए, जहाँ जो आपका मतलब इस वक्त पाकिस्तान का रोल बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर आप यूरोप के साथ खड़े होते हैं तो आप अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं। लेकिन सर यूरोप को साइलेंट करने और रूस का साथ देने के कॉन्सिक्वेंसेस इमरान खान आदम तरीके आदम इस्तेहकाम के जो है ना अमेरिका करना चाहता है तो सारे कहते हैं क्या बात है, अमेरिका जॉर्जिया में करता है ठीक है, अमेरिका यूक्रेन में करता है ठीक है, अमेरिका चिली में करता है ठीक है, अमेरिका जो है वो इराक में करता है ठीक है, अमेरिका अफगानिस्तान में रिजीम चेंज करता है ठीक है, हमारे यहाँ करेगा क्यों नहीं करेगा? तो आप खड़े हो ना, तो कौन होते आप करने वाले रिजीम चेंज? लेकिन खड़े तो हो गए। इमरान खान जो अपनी एक डाउन स्लाइडिंग पॉलिटिक्स में जा रहा था ठीक है, और लोगों ने उसको पंख के दलदल से बाहर निकाल दी, अब इस वक्त नारा है नहीं गया कामयाब था या नहीं, कामयाब नारा बिल्कुल और हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान आपको चला जाता है तो चार असम्बलियां ऑलरेडी मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट मौजूद रहेगी, चले जाएगी चार असम्बलियां। अब क्या सिंध के अंदर पीपल पार्टी के होते इलेक्शन होंगे, पंजाब के अंदर जो है वो गुलजार के होते हुए इलेक्शन होंगे, केपीके में पीपीए के इलेक्शन होंगे, इसका मतलब यह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और कंफ्यूजन वो क्रिएट करना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि इमरान खान अगर बाहर निकला उसके बाद इतने बड़े बड़े नारे होंगे कि जो पब्लिक को बड़ी आसानी से स्वे करके चला जाएगा, और वो नारे ऐसे हैं जो पब्लिक के अंदर बहुत मकबूल हो गए कि वो मैं अफगानिस्तान से तलकार बनाना चाहता था ये नहीं बनने देते थे, मैं अमेरिका को अड्डे देना नहीं चाहता था ये देना चाहते थे, मैं यूरोपीय यूनियन के साथ चाहता था क्योंकि वो कातल है उसके साथ खड़ा जब नहीं, ये इससे ऐसे ऐसे नारे हैं इसके हिसाब ही नहीं। और फिर सबसे अहम बात कि आप जो उसकी पुराना रिटॉरिक है कि मेरे ख्याल सारे के सारे इकट्ठे हो गए और कौन, ये तो उनको तो कोई ताजर गुजार नहीं मानते। पाकिस्तान में नवाज शरीफ को और जरदारी को और इवन मौलाना फजल रहमान को कोई तजुर्गुजार जब आम तरीन आदमी नहीं मानते, असल मसले को फायदे नहीं।